चलो कुनाली बाय। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, अभी जस्ट उठा हूँ मैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव अम्मा बाबू से मिलने के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनसे मिले ही नहीं यार। वो यहाँ आते नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा गांव उनसे मिलने के लिए। तो चलो उठते, नहाते धोते, रेडी होते हैं और चलते हैं मैं सीधा गाँव। और मैं ना 2 दिन तक ना व्लॉग कम ही करूँगा, थोड़ा बहुत रूम मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ना 2 दिन तक अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे अम्मा बाबू के साथ में। पापा जी यहाँ पूजा कर रहे हैं, चाची कुनाली को खाना खिला रही है, स्कूल नहीं गए आज, छुट्टी आज, और यू यहाँ लेटा हुआ देखो। तो भी गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और चल। ये क्या है? चप्पल? अच्छा, मम्मी ने इसमें चप्पल पैक करके दे दी, वाह। मुझे कोई अच्छी चीज दे रही है, चप्पल दे रही है मम्मी, देख लो। आज भी ना आलू का परांठा चाय। चलो भाई कुनाली बाय, मैं गाँव जा रहा हूँ अम्मा बाबू से मिलने, चलना है। ओलू ओलू तेरी बहुत ज्यादा आएगी, और ये तेरी बहुत ज्यादा आएगी। मम्मी ओरियो को ले जाऊं क्या? ले जाने तो यार, थोड़ा गांव में घुमाएगा, पहाड़ों में। आए कर प्यार, तो है रो प्यार देखते हैं, ऐसा प्यार हो रहा है इसका। तो फिलहाल तिलक लगवाते हैं और चलते हैं। ठीक है भाई, ओलू सौदा जा रहे हैं। तो पहले जाएंगे मार्केट, मार्केट से कुछ सामान लेना है बाबू के लिए खाने पीने का, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, उसके बाद चलेंगे। आराम से चला के। क्या आराम से चला? आराम से कौन चलाता है? आराम से नहीं चलाता मैं बहुत आराम से चलाता हूँ। चलो भाई सामान डालते हैं थार में, आज थार लेके जाएंगे हम। गैस वैसे भी थार जाने वाले, इसको बेचने वाला हूँ मैं, तो थोड़े दिन चला लेते हैं इसको और थोड़े बहुत और मजे ले लेते हैं थार के। चाची और कुनाली भी हमारे साथ में जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, इनको हॉस्पिटल जाना है, इनको हॉस्पिटल छोड़ के हम चले जाएंगे गाँव। आपकी बहुत ज्यादा आई कुनाली, हंस क्यों रहे हो? हंसते नहीं है। चलो कुनाली बाय। चलो अम्मा बाबू के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ खाने पीने का, और ये बर्फी ले लेते हैं अम्मा बाबू के लिए, पिस्ता बर्फी दे दो। तो गाइस सामान तो ले लिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए सब कुछ, और अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया रास्ते के लिए। तो चलो चलते, बस हाँ फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स और जूस लेना है। तो भी आए हैं जूस वगैरह लेने के लिए बाबू के लिए, तो जूस वगैरह लेते हैं और थोड़ी बहुत चीजें बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं। भाई पेट्रोल ही भरवाने, देखो पेट्रोल का साइन है कि पेट्रोल कम है। गाइस एक फनी बात बताऊं, हमारे थार में से घुंघरू की आवाज आ रही है, पता नहीं कहां से घुंघरू बज रहे हैं इसमें, देखो सुनना पीछे, ये देखो पता नहीं कहां से घुंघरू बज रहे हैं, और ये आवाज ठीक ही नहीं हो रही। मैं महिंद्रा भी दिखा ली, ये देखो इतनी इरिटेट कर रही है ना, ऐसा लग रहा है घुंघरू बज रहे हैं, कोई बैठा पीछे घुंघरू वाली औरत। और रात को तो इतनी डरावनी लगती है भाई, रात को जब अंधेरे में चलाओ ना, ऐसे घुंघरू बज रहे हैं भाई थार के अंदर, भूतिया थार लगती है बिल्कुल। छन छन आवाज आ रही पूरी, ये देखो, और बहुत ज्यादा तेज आवाज है, ये ठीक ही नहीं हो रही। मैंने महिंद्रा दिखा ली, 2-3 दिन महिंद्रा दिखा ली, ठीक ही नहीं हो रही। तो अभी रुके पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाते फुल और चलते हैं, पीछे पहाड़ ट्रेन रोड। तो अभी इस पहाड़ पे तो पहुंच गए गाइस, यहाँ का मौसम देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है यार, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है, चारों साइड कोहरा ही कोहरा भाई, इतना मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना पहाड़ में। हमने तो एसी बंद कर दिया, सारे विंडो खोल दिए, और क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई। तो भी गाइस हमने लिए गर्मा गर्म पकौड़े, तो खाते हैं चटनी के साथ में। गाइस पहाड़ के पकौड़े खाने का ना मजा ही अलग होता है, एकदम मस्त हो रहे हैं। तो भी गाइस गांव पहुंचने वाले हैं जल्दी ही, और ये घुंघरू की आवाज को अवॉइड करना, सॉरी घुंघरू की आवाज के लिए। ये अपने थार का नाम घुंघरू देते हैं, घुंघरू भाई, तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। पहुंच गए फाइनली, ये देखो डोर खुलते ही कितना मस्त व्यू दिखा है खेतों का। तो गाइस अम्मा मिल चुकी है हमको, अम्मा यहीं पे आ गई लेने के लिए हमको। अरे नहीं अम्मा रहने दो ना, अम्मा कह रही मैं लेके जाऊंगी, देखना अम्मा कह रही मैं लेके जाऊंगी तुम्हारे बैग, तुम छोड़ो। ये देखो मानती नहीं अम्मा, जो काम अम्मा को करना है तो करना है। अम्मा के हाथ में बोतल पकड़ा दी बस, हाँ बोतल लेके जाओ, सिर्फ बोतल। यहाँ पर रोड खोद दी हमारे घर के सामने। तो चलो अब चलते हैं ऊपर घर में। अम्मा भारी तो नहीं लगी आपकी बोतल? नहीं भारी तो नहीं लगी, भारी क्यों लगी? अम्मा कह रही थी ये लेके जाऊंगी, देखना इतना भारी। और तबियत सब ठीक? मजा आ रहे हैं आपके यहाँ? मजा आ रहे हैं? मजा आ रहे हैं। अकेले में क्या मजा आता है? ये आपने इकट्ठे करे? अम्मा ये सब कर रही है यहाँ पे, देखो ये गृह प्रवेश। यहाँ बाबू बैठे हैं, प्रणाम। ठीक हो? ठीक है, आप ठीक हो? अब एक बात बताओ, अब रहते कैसे हो यहाँ अकेले?
तेरे दादाजी हैं, फिर ये गर्मी ठहरी वहाँ इसलिए यहीं रह गए। पता नहीं अम्मा का मन कैसे लग जाता है यहाँ पे। कैसे लगता है? कैसे लगता है? काम करती रहती है अम्मा, जैसे देखा बाहर कभी गेहूं कर रही है, कभी लकड़ी, कभी क्या, कभी बोर नहीं होते यहाँ? बोर नहीं होते? होती हूँ तभी तो करती हूँ ये काम, नहीं तो क्यों करती। तो हमारे साथ वहीं आओ ना। आऊंगी फिर, वहीं तो आ रही हूँ। आप कब? ये धान काटने हैं ये। अच्छा, धान काटने हैं। धान काटने हैं, उसके बाद आ जाऊंगी। गाइस सुकून तो यही है, मतलब शांति, एकदम कितनी शांति यहाँ पे। लेकिन यहाँ रह नहीं सकते ना, अपना काम भी तो करना है। काम करना है, जब काम करोगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे। हम तो बुड्ढे ठहरे ना, हमने बुड्ढे ठहरे तभी तो कह रहा हूँ हमारे साथ में आएंगे। फिर तुम्हारे साथ नहीं आओगे तो किसके साथ आऊंगी? जो हम भी तो सेवा करेंगे आपकी। कर ले जो, कब करेंगे? जब आओगे तभी करेंगे, जब हमारे साथ में रहोगे। रहूंगी फिर, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? गाइस आप लोग सोचोगे कि अम्मा बाबू को यहाँ छोड़ रखा है, खुद वहाँ रहते हैं। नहीं तो ये आप लोग सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन आप लोग तो सोचते हो सिर्फ, लेकिन हमारे साथ में तो ये होता है। मैं तो बोलता हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। अम्मा हमारे सामने आती है करके बुरा लगता है ना। और क्या, बुरा तो लगता ही है अम्मा, क्या करे। ऐसा करेंगे ना, मान लो छुट्टियां होंगी, छुट्टियों में यहाँ आ जाएंगे। अब देखो हमारा नया घर बनेगा वहाँ। हाँ बनेगा, तो उस घर में वहीं आपके लिए खेती वेती है? खेत हेत कुछ भी नहीं, क्या खेत है वहाँ? नहीं वहाँ वो करेंगे ना। गाइस हमारे घर में ना एक एरिया बना रहे हैं हम, जहाँ पे हम मतलब सब्जियां बोएंगे, छोटी मोटी सब्जियां घर के लिए, तो वो आप संभाल लेना, ठीक है? वो संभाल लेना। मम्मी अम्मा को खेत में काम करना पसंद है ना, तो इसके लिए आपके लिए बनाएंगे वो वाला एरिया, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सब्जी लगा लेंगे, मूली बोलेंगे, भिंडी लगा लेंगे, सब बोले, अरे जो बोना है बोलेंगे। अम्मा बस खेतों की बात करते, भिंडी मूली बैगन, फिर अपने खेत है धान, थोड़ा तो अपने घर की चीज अच्छी होती है। दुकान की चीजों में दवाइयाँ होती है, उनमें कितनी दवाई होती है, जो यहाँ पे सब्जियाँ होती है उनमें बिल्कुल भी दवाई नहीं होती, नेचुरल सब्जी होती है, एकदम अच्छी सब्जी होती है। सुई लगाते हैं लौकी में। एंड्रॉइड टच वाला फोन चलाना आता है? आता चलाना? थोड़ा थोड़ा आता है, फिर भूल जाती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। आप दूर ही रहो फोन से, आपको हम ही दिखा देंगे। अच्छा, फोन से ना दूर रहो। ठीक है, अभी जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसी जियो, बिना फोन वाली। चलो अम्मा को दिखाते हैं। अब तो ये वाला घर है, ये है ना, ये घर है, ठीक है? अंदर यहाँ से घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद ये गार्डन, और यहीं पे आपके सब्जियाँ यहीं बोल लेना, यहीं, ठीक है? अम्मा के लिए सबसे पहले तो मिठाई लो, मुँह मीठा करो। अरे ये सॉफ्ट वाली है, इसको आप खा सकते हैं। आपके लिए जूस भी है। मंदिर में रखे आते हैं। अच्छा तो हम जा रहे हैं मंदिर में रखने, सबसे पहले मंदिर में। मैंने कुछ बार लाना कहा था। क्यों कहा था? और ये सब्जियां आपके लिए, खुशबू आ रही मस्त। क्या बना रहे हो? खिचड़ी बनाई है। हम तो मना कर रहे थे, लेकिन अम्मा ने जल्दी जल्दी बोली मैं बनाऊंगी, तो अम्मा ने खुद जल्दी जल्दी बना दी खिचड़ी। देखो कितनी स्वीट है अम्मा। बुढ़ी हो गई क्यों बोलते रहते हो? बुढ़ी हो गई जान हो गई फिर। आप किसी भी एंगल से बुढ़े नहीं लगते, जिस तरह के आप काम करते हो ना। इतनी जल्दी कोई कैसे खिचड़ी बना सकता है? चलो भाई खाते हैं अम्मा के हाथ की मस्त खिचड़ी। गाइस ये देखो अम्मा का कप, अम्मा को दिया था ना हमने, इसमें घी रखा हुआ है। वाह, चलो फिलहाल खाते खिचड़ी। खिचड़ी के ऊपर डाले घी। अम्मा मस्त हो रही, मस्त। चलो गाइस खाना तो हो गया, अब चलते हैं। बाबू तो यहाँ गेहूँ साफ कर रहे हैं। हम अपने बर्तन खुद कर लेंगे ना, हम खुद कर लेंगे अपने बर्तन खुद। अरे कर लेंगे अम्मा। नहीं तो नहीं, आज मैं करूंगी, कल से कर लेना। अभी तेरे को ना, चलो धारे पे चलते हैं पानी पीने। बहुत ज्यादा ठंडा पानी यार, बहुत ज्यादा। तो यहाँ अम्मा की पूजा चल रही है। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है और रात के 9 बजने वाले हैं। आज मैंने बहुत कम ब्लॉग किया, तो अभी गाइस रात के बजने वाले 10:30, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है थोड़ी बहुत। आज मैंने काफ़ी कम ब्लॉग किया, थोड़ा बहुत इतना ऐसा मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर आज यहाँ पे सोएंगे, एडिटिंग वगैरह हो गई है तो। और बाहर आवाज़ देखो कैसी आवाज़ आ रही है भाई, बाहर कीड़े उड़ू की ऐसी आवाज़ आ रही है ना। तो चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे बहुत ज्यादा।